शरीर में क्या बताया, ये कौन खेलता है, खेला था उसके सामने, मेरे सामने का ही खेला, मुझे नहीं खेला है। क्या नाम है? आँख में केवल कितने साल से खेलते हैं ऐसे? उसमें क्या हमारा वापस कहाँ कहाँ दिखाया? कोई जगह में नहीं। अरे शरीफ कितने दिन गए? तीन बार जाने से क्या होगा? दुनिया 20-20 साल से पड़ी है, ये नहीं देखता? किसने बोल दिया? कलिया शरीफ में तो कोई ऐसा बाबा नहीं है जो तेरे को ये कहेगा उधर जाओ और भाई यार नहीं ठीक होगा। तू किसी मौलवी के पास गया था कलिया शरीफ वाला? कलिया शरीफ गया था ना, मेरे को वहाँ भी पकड़ हो गई थी, उसने बोला था कि दया पालने आपने कहीं भीख मांगा होगा मेरे लिए बोलते थे, तो उन्होंने दिया नहीं। उसके बाद से आपकी जो सेहत है वो मतलब तकलीफ में है, तो उसके बाद में इसको एक बार पूछ लेंगे क्या हाँ परसों आया था मैं बच्चे के लिए जिसके दिमाग में प्रॉब्लम थी दो साल हाँ, तो दो दिन से उसे बुखार चल रहा है, तेल ले जा मालिश करके। क्या नाम है उसका? कायरव गया। अच्छी बात है बुखार चढ़ा तो इसका मतलब हमारा कुछ होगा, उसको क्या बता रखे डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बस जब वो दो दिन का था तो नॉर्मल था, फिर उसके के जॉन्डिस हुआ है तो ब्लड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, फिर उन्होंने ब्लड ट्रांसफ़र करा तो जैसे 20-22 दिन बाद हमें दिया, तो उसके बाद डॉक्टर ने ECG वगैरह किया, उन्होंने बोला कि भाई इसके माइंड काम नहीं कर रहा। हाँ, फिर डॉक्टर को किसी को दिखाया तो उन्होंने बोला कि हमारा इलाज नहीं है, क्योंकि ये या तो उम्र के हिसाब से या फिर ये कभी इंडिपेंडेंट नहीं रहा। नहीं, पहले तो ठीक था जब पैदा हुआ। हाँ, उस दिन दो दिन तक ये नॉर्मल था, फिर जॉन्डिस जैसे लगने लगा आँख के अंदर, तो फिर इसको एडमिट करा दादा देव में। लेकिन आपने उस टाइम में अपने बच्चे को धूप क्यों नहीं दी? क्योंकि जिस टाइम वो हुआ था, जैसे आज मौसम चेंज है, हाँ, तो इस तरीके से उस टाइम बारिश हो गई थी। अच्छा, तो दो तीन दिन तक बारिश रही थी। अच्छा, फिर उन्होंने अपने उसमें रखा? हाँ, जैसे उस टाइम तीसरे दिन, जैसे आज दो दिन हो गए। नहीं तो इतने छोटे बच्चे को उन्होंने कैसे जाना कि इसका ब्लड कम है, इसका ब्लड कम है? पैदा होते बच्चे को कौन ब्लड चढ़ाते हैं? नहीं नहीं, पैदा होते ही नहीं, दो दिन बाद में उन्होंने उठा करके उसको जैसे मशीन में रखा, छोटी मशीन जो होती है उन्होंने उसमें जैसे सूरज तो निकल नहीं रहा था तो उन्होंने मशीन के अंदर रखा कि भाई इसको हम छोटी मशीन में रखें, तो उसके बाद हम बताएंगे। नेक्स्ट डे फिर वो बोले कि जी ऐसे तबीयत ज़्यादा ख़राब है इसकी, इसको बड़ी मशीन में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो लेकिन सुबह उन्होंने बोला कि ऐसा लगता है दादा देव नहीं। अच्छा, फिर तो उसके बाद में उन्होंने जैसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा 6 बजे तक, शाम को 6-7 बजे जब लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी तब इमीडिएट बोले कि अब ब्लड की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको 2 बार महीना रखा गया ब्रेन तक ब्लड। इतने छोटे बच्चे को अटैक कैसे? वो एक्चुअल क्या होता है, जब जॉन्डिस होता है तो ब्लड सर्कुलेशन जो बाइंड में करता है वो जो पानी बनने के कारण पूरा गैप ब्रेन के अंदर नहीं पहुँचता। ये तो तुझे डॉक्टर ने बताया, तू तो डॉक्टर की भाषा बोल रहा है। अच्छी चीज़ अब हमने बताया। बच्चा तो ठीक पैदा हुआ था ना? हाँ, फिर अपने घर पर क्यों नहीं रखा? दो दिन बाद जब तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा ना, उन्होंने तो नॉर्मल डिस्चार्ज कर दिया था, नॉर्मल डिस्चार्ज करके घर भेज दिया था। हाँ, उसके बाद बच्चा बीमार हुआ? उसके बाद दो दिन बाद में बच्चा बीमार हुआ, एकदम से पीली आंखें होने लगी, उन्होंने कहा यार इसको कुछ प्रॉब्लम है, फिर जैसे फीवर चढ़ने लगा, फिर डॉक्टर के लेके। माँ का दूध नहीं पिया? नहीं, दो दिन तो पिया, उसके बाद में फिर जैसे 15-20 दिन के लिए फिर हमें पता ही नहीं था कि हमारा बच्चा है भी, क्योंकि ना तो कोई पता चल पा रही थी ब्रेन में कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, तब निकाल के लेके आए इसको 20-22 दिन बाद में, किया है बच्चा उसे देखने के बाद में तो बिल्कुल जैसे बूढ़े हो जाते हैं, ऐसे स्किन लटक गई थी उसको। फिर 2-3 दिन बाद 4 दिन बाद जब देखने लगे फिर थोड़ा बड़ा हुआ जैसे। नहीं, तुझे क्या पता तूने कोई मार्क ऐसा रखा हुआ था कि ये तेरा ही बच्चा है, पता चले किसी और को उठा के दे? नहीं, बच्चा तो एक्चुअल में फिर से महसूस होगा। अच्छा, महसूस नहीं, कोई भरोसा नहीं भाई, इतने घपले हो रहे हैं, इतने घपले हो रहे हैं कुछ हद नहीं। नहीं, बस ऐसा था कि जी कोई मिलने वाले थे मेरी वाइफ के ब्रदर के फ्रेंड,
जिनके अंडर में वो हॉस्पिटल आता है, तो उनको हमने पर्सनली तो देखा नहीं, बस उन्होंने जो भी थी इस केस में शुरू से देख रहे थे और उन्होंने बहुत हेल्प करी थी। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था कि जब इतनी बड़ी अप्रोच लग रही हो और वहाँ कोई दिक्कत, लेकिन बस ये चीज़ जो हुई है ये समझ में। भारत का कोई भी हॉस्पिटल ऐसा बाकी नहीं है कि जिसमें दिक्कत ना हो, नहीं मैं तुझे आज बता देता। नहीं बिल्कुल आगे ना समझ में, अगर एक ठीक है तो दूसरा आराम है, दूसरा ठीक है तो तीसरा आराम है, आए ना समझ में। अब ये मैं तेरे को आज बता देता। अब इसके अब सुनो, लोग कहते हैं दुनिया भर के वो होते हैं क्या कहते हैं बलात्कार होते हैं, रेप केस होते हैं, तो मुझे तू ये एक डॉक्टर का ऐसा वो बता दे तू मेरे को कि केवल चिकित्सकों ने कदापि कभी भी कोई बलात्कार ना किया, ऐसा बता दे तू मेरे को कि डॉक्टर लोगों के यहाँ बलात्कार नहीं होते या हॉस्पिटलों में रेप केस हुआ ही नहीं आज तक, ऐसा बता दे, बता सकता है? रेप आ गया समझ में। मेरे पास एक लड़का आता है, उसके बराबर में कोई डॉक्टर रहता था अपने परिवार को लेके, ठीक है ना, वो ऐसा ही था सन की टाइम, दोनों पति पत्नी, आपको पता है वो वहाँ से आता है तो उन्होंने उन डॉक्टर जी ने उसके बाहर आके दीप लगा दिया। उसने बस ये पूछा था कि आपने दीप क्यों लगा दिया हमारे बाहर। वो कहीं सर्जरी वर्जरी करते थे, सर्जरी के औजार लेके उस लड़के को पूरा काट दिया, जबकि वो वहाँ से शिफ्ट कर रहा था, शिफ्ट कर भी लिया था, वे दिन में गए थे, अपना कुछ सामान बाकी तो नहीं रह गए जैसे बल्ब तारने ये करने वो करने। उस डॉक्टर ने उनका गेट खुलवाया, उसने सोची भाई पड़ोसी मिलने आ सकता है, ठीक है, गेट खोलते ही उस लड़के के चेहरे पे उस हथियार से जिससे वो सर्जरी करते हैं ना वो मारा, फिर पूरे शरीर में 8 बार मारा, ठीक है, वे दोनों पति पत्नी जेल चले गए। लेकिन मैं तेरे को आज बताऊं कि हम लोग ये समझते हैं कि डॉक्टरों में अपराधी नहीं होते, ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे अगर डॉक्टरों में अपराधी ना होते तो क्या कहते हैं इतनी माओ के पेट नहीं कटते, डॉक्टरों में अपराधी ना होते तो सारी दुनिया में इतना अंग का फैलाव नहीं होता कि अंग बिखरे अंग बिखरे अंग बिखरे। डॉक्टर अपराधी ना होते तो जो प्रक्रिया नॉर्मल होती है ना वो एबनॉर्मल ना होती, आए ना समझ में। फिर आज पता है भारत में जितनी महिलाओं के गर्भ से बच्चे बाहर नहीं आते, ठीक है, उतनी की सर्जरी कर दी जाती है, उससे ज़्यादा की सर्जरी होती है, सिजेरियन इतने केस होते हैं नॉर्मल नहीं होते, हम जबकि पहले नॉर्मल ही होते थे, सिजेरियन नहीं होते थे।